हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को हिंदी अल्फाबेट्स कैसे सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स दूंगी जिनके थ्रू मैं अपनी डॉटर को, जो अभी 5 ईयर्स ओल्ड है, उसको हिंदी अल्फाबेट्स सिखा रही हूँ। तो आज का जो टाइम है, इसमें हम सब पेरेंट्स बहुत फोकस्ड रहते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश अल्फाबेट सिखाने के लिए। हम उन्हें बर्थ ऑनवर्ड्स ABC सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और बच्चे इसे बहुत इजीली पिकअप भी कर लेते हैं। पर जहाँ तक बात आती है हिंदी अल्फाबेट्स की, हिंदी अल्फाबेट्स थोड़े टफ भी होते हैं और बच्चे इन्हें पिक करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आज आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगी जिनके थ्रू मैं अपनी डॉटर को, जो अभी 5 ईयर्स ओल्ड है, उसको हिंदी अल्फाबेट सिखा रही हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग एवरी वीक न्यू वीडियोस लेकर के आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जो फर्स्ट टिप है वो ये है कि जब आप अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम देते हैं, यानी कि आपके बच्चे यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं या टीवी पर कुछ वीडियोस देखते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि उनमें आप कुछ वीडियोस अपने बच्चों को हिंदी वर्णमाला यानी कि हिंदी अल्फाबेट्स के बारे में भी ज़रूर दिखाएं। तो जैसे कि अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि हिंदी अल्फाबेट्स, जैसे कि अ से अनार, अ से आम, इसको ही अच्छे से राइम वे में दिखाया जा रहा है। तो आप ये वीडियोस अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। ये वीडियोस बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और वो इनसे ईजिली पिकअप भी कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि जब भी आप अपने बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस करें तो मेक श्योर करें कि उनमें कुछ बुक्स जो हों वो हिंदी वर्णमाला रिलेटेड भी हों। जब मैंने अपनी 18 मंथ ओल्ड डॉटर की बुक्स के ऊपर वीडियो किया था, यानी कि बेस्ट बोर्ड बुक्स फॉर हर, उसमें मैंने आपको हिंदी वर्णमाला की बोर्ड बुक भी दिखाई थी। मैं उसकी पिक्चर यहाँ इंसर्ट कर दूंगी। वो काफ़ी कलरफुल अच्छी सी बोर्ड बुक है। आप मेक श्योर करें कि आप उसे अपने बच्चे के लिए लें और टाइम टू टाइम आप अपने बच्चे को वो बुक भी दिखाएं, तो उनकी जो फेमिलैरिटी है हिंदी अल्फाबेट से वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ये जो बोर्ड बुक है ये ना सिर्फ छोटे बच्चों को बल्कि बड़े बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। अगर आप ये बोर्ड बुक नहीं भी लेना चाहते तो आप कोई भी सिंपल हिंदी की बुक ले सकते हैं जिसमें कि सारे हिंदी के अल्फाबेट्स हों और पिक्चर्स हों, कलरफुल हों, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए उस बुक को पढ़ने के लिए। तो जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप हिंदी अल्फाबेट्स यानी कि हिंदी वर्णमाला पर एक बड़ा सा चार्ट परचेज करके आपके घर में जहाँ भी जगह हो, भले वो आपके बच्चों का स्टडी रूम हो या प्ले रूम हो या फिर कोई और भी एरिया हो, आप उसकी वॉल पर इस चार्ट को स्टिक कर दीजिए। ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक है और उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास दिन में टाइम कम है उनके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, इवन 5-10 मिनट्स भी, आप क्विकली इस चार्ट के थ्रू अपने बच्चे को सारे हिंदी अल्फाबेट्स रिवाइज करवा सकते हैं। आपको ना तो किसी बुक को खोलने की ज़रूरत है, ना कोई वीडियो ऑन करने की ज़रूरत है। आप बस क्विकली इस चार्ट के थ्रू अपने बच्चों को सारे अल्फाबेट्स रिवाइज करा सकते हैं। और जब आपके बच्चे हिंदी अल्फाबेट्स लिखना शुरू करते हैं तब भी अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है कि कैसे किसी लेटर को लिखा जाएगा, तो वो इस चार्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आपको अमेज़ॉन पर इन हिंदी अल्फ़ाबेट्स के काफ़ी चार्ट्स मिल जाएंगे। वो लैमिनेटेड भी होंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका पेपर ख़राब भी नहीं होगा। आप सिर्फ उन्हें परचेज करके अपने घर की वॉल पर स्टिक कर सकते हैं। तो हमने जो हिंदी अल्फ़ाबेट्स का चार्ट अपनी डॉटर के लिए परचेज किया, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। आप चाहें तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी अल्फाबेट्स का चार्ट अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि उसमें हिंदी अल्फाबेट्स का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए और अगर वो चार्ट कलरफुल है यानी कि उसमें कुछ पिक्चर्स हैं तो वो और भी ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करेगा। तो जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे कि वो 3.5-4 साल के हैं या उससे भी बड़े हैं और उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उनके लिए हिंदी की अल्फाबेट ट्रेसिंग बुक्स भी ले सकते हैं।
तो जैसा कि आप इस बुक में देख सकते हैं, इसमें हर अल्फाबेट पर एक पेज डेडिकेट किया गया है, यानी कि एक पूरा पेज अ के लिए है, फिर एक पेज आ के लिए है, ये पेज ऊ के लिए है। तो हर अल्फाबेट पर पूरा एक पेज डेडिकेट किया गया है। पहले बच्चों को डॉटेड लाइंस पर अल्फाबेट ट्रेस करने की प्रैक्टिस करनी है, और जब वो उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो खुद से हर अल्फाबेट को लिख सकते हैं। तो एंड ऑफ द बुक में उन्होंने सारे अल्फाबेट्स का रिविजन भी करवाया है। तो आप ऐसे हिंदी की ट्रेसिंग बुक्स परचेज करके भी अपने बच्चों को दे सकते हैं, और इससे उनकी जो हिंदी अल्फाबेट्स की ना सिर्फ नॉलेज है, बल्कि हर अल्फाबेट को कैसे लिखना है, उसमें कैसे पेंसिल के स्ट्रोक्स होंगे, ये भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। तो ये जो बुक है, इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी और हिंदी की लेटर ट्रेसिंग बुक अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो जो लास्ट टिप है वो है हिंदी अल्फाबेट्स रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स। हम सबको पता है कि फ्लैश कार्ड से हम बच्चों को कितनी आसानी से बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं। यूजुअली हम बच्चों को इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी कि ABC और नंबर सिखाने के लिए तो फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते ही हैं। इसके साथ साथ हम हिंदी अल्फाबेट्स के जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं उन्हें भी बाय कर सकते हैं, और उसके थ्रू भी अपने बच्चों को हिंदी अल्फाबेट सिखा सकते हैं। तो एज अ पेरेंट, दिन में जब भी आपके पास टाइम हो, आप उन फ्लैश कार्ड्स को यूज करके अपने बच्चों को हिंदी अल्फाबेट सिखा सकते हैं। तो मार्केट में कई तरीके के फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद हो वो फ्लैश कार्ड्स रिलेटेड टू हिंदी अल्फाबेट्स आप अपने बच्चों के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उन्हें इजीली फ्लैश कार्ड्स दिखा करके हर अल्फाबेट बता सकते हैं, बोलना सिखा सकते हैं हर अल्फाबेट को। उनका रिकग्निशन बढ़ जाएगा कि ये द है, ये म है, ये न है। और अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, यानी कि वो 5 या 6 साल के हैं, तो आप उनके साथ ये फ्लैश कार्ड्स इन अ गेम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को कह सकते हैं कि मैं आपको एक एक फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी, अगर आप उस फ्लैश कार्ड पे जो लेटर लिखा है उसको करेक्टली रिकग्नाइज करते हैं तो आपको हर लेटर के लिए एक पॉइंट मिलेगा। तो लेट्स से कि अगर आप अपने बच्चे को 10 फ्लैश कार्ड दिखाते हैं और वो सारे 10 हिंदी लेटर्स को करेक्टली रिकग्नाइज करता है तो उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप इस तरीके से भी गेम बना करके घर के और भी लोगों को इन्वॉल्व करके इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू अपने बच्चों को हिंदी लेटर्स, हिंदी अल्फाबेट्स आसानी से सिखा सकते हैं। तो ये जो 5 टिप्स हैं, इन्हें करंटली यूज़ करके मैं अपनी डॉटर को हिंदी अल्फाबेट सिखा रही हूँ। तो होपफुली ये जो टिप्स मैंने आपको बताई, ये आपको और आपके बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय फॉर नाउ।